खांडवी बनाने के लिए हमने लिया है 1 कप बेसन, 1 कप दही, 1 कप पानी, आधा इंच कसा हुआ अदरक, 2 पीस कटी हुई हरी मिर्चा, नमक स्वाद अनुसार और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। और तड़का लगाने के लिए हमने लिया है 2 चम्मच तेल, 8 से 10 पीस करी पत्ता, 1 चम्मच राई और 2 पीस खड़ी लाल मिर्च। और गार्निश करने के लिए हमने लिया है बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती और कसा हुआ फ्रेश नारियल। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम माइक्रोवेव में खांडवी बनाना स्टार्ट करते हैं। खांडवी बनाने के लिए हमें सबसे पहले बेसन का घोल बनाना है, तो इसके लिए हमने लिया है गहरा बर्तन और इसमें हम डालेंगे बेसन। हमने यहाँ पर 1 कप बेसन का इस्तेमाल किया है और सेम मेजरमेंट से ही हम यहाँ पर 1 कप दही का भी इस्तेमाल करेंगे और सेम मेजरमेंट से ही हम 1 कप पानी का भी इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब है कि हमारा बेसन, दही और पानी का जो रेशियो है वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। आपने जिस मेजरमेंट से बेसन लिया है उसी मेजरमेंट से आप दही और पानी भी लेंगे। अब इसमें हम डालते हैं कसा हुआ अदरक और कुछ कटी हुई हरी मिर्च भी डाल दीजिए, स्वाद अनुसार नमक भी डाल देंगे और लास्ट में इसमें हम डालते हैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर। अब सभी को हम अच्छी तरीके से विस्क की सहायता से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो इसे मिक्स करने के लिए हैंड बीटर या मिक्सर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, हमारा घोल बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसे हम छान लेते हैं जिससे कि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। तो इसके लिए हमने छलनी लिया है और इसमें हम डालते हैं बेसन का घोल। और इसे हम अच्छी तरीके से छान लेंगे। ये देखिए, छानने के बाद जो गोटा अदरक और मिर्च है इसे हम अलग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा बेसन का बिल्कुल स्मूथ घोल तैयार हो गया है। खांडवी हम माइक्रोवेव में बनाने जा रहे हैं, तो इस घोल को हम माइक्रोवेव से बाउल में डाल देते हैं। अब चलिए इसे हम 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रखते हैं। हमने बेसन के घोल को हाई टेम्परेचर पर 2 मिनट के लिए रखा है। 2 मिनट हो गया है, अब हम घोल को बाहर निकालते हैं। आप देख रहे हैं कि साइड के बेसन हमारे थोड़े थिक हो गए हैं, तो इस समय घबराने की जरूरत नहीं है। इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे जिससे कि इसमें बिल्कुल लम्स ना रहे। तो चम्मच से चलाते हुए हम इसे एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के लिए आप चाहें तो विस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, घोल हमारा पूरी तरीके से मिक्स हो गया है। अब घोल को हम फिर से माइक्रोवेव में हाई टेम्परेचर पर रखेंगे और इस समय इसे हम सिर्फ 1.5 मिनट के लिए ही माइक्रोवेव करेंगे। 1.5 मिनट हो गया है, अब हम घोल को बाहर निकालते हैं और इसे हम फिर से विस्क की सहायता से अच्छी तरीके से चिकना होने तक चला लेंगे। खांडवी को हम एक साथ माइक्रोवेव में 3 से 4 मिनट तक के लिए नहीं रखेंगे। मैक्सिमम हम 1.5 से 2 मिनट तक के लिए ही माइक्रोवेव करेंगे, उसके बाद हम निकाल लेंगे, नहीं तो घोल में लम्स पड़ सकते हैं। तो बीच बीच में निकालते हुए इसे हम चलाते रहेंगे जिससे कि घोल में लम्स ना पड़े। ये आप देख रहे हैं कि घोल हमारा काफी थिक हो गया है, लेकिन इसे हम फिर से 0.5 मिनट के लिए और रख देते हैं तो ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। तो 0.5 मिनट के लिए हम फिर से इसे माइक्रोवेव कर लेते हैं। 0.5 मिनट बाद हम फिर से घोल को बाहर निकालते हैं, इसे हम एक बार अच्छी तरीके से चला लेते हैं जिससे कि इसमें बिल्कुल लम्स ना रहे। तो इस तरीके से खांडवी बनाने के लिए घोल हमारा 4 मिनट में माइक्रोवेव में बिल्कुल तैयार हो जाता है। और अब चलिए इसे हम फैलाते हैं। तो फैलाने से पहले हमें जिस भी बर्तन पे फैलाना है उसे हम बिल्कुल तैयार रखेंगे, क्योंकि जो घोल है वो जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा काफी हार्ड हो जाएगा। तो इस समय हमें बहुत जल्दी हाथ चलाना होगा। तो घोल को फैलाने के लिए हमने लिया है बड़ी थाली और इसे हमें ऑयल से ग्रीस करने की जरूरत नहीं है। थाली को हम उल्टा रखेंगे और इसके एक साइड में लगभग 2 से 3 चम्मच घोल हम इस तरीके से फैला देंगे। अब घोल को हमें थाली के ऊपर बिल्कुल पतला पतला फैलाना है, तो हमने लिया है ये स्क्रैपर और घोल को हम इस तरीके से बिल्कुल पतला थाली पर फैला देंगे। स्क्रैपर आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। यदि आप इसे ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।
घोल को पतला फैलाने के लिए यदि आपके पास स्क्रैपर नहीं है तो आप कोई भी फ्लैट चम्मच या फ्लैट बेस बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमने खांडवी एक घोल को बिल्कुल पतला फैला दिया है। अब इसे हम 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं जिससे कि ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा और पूरी तरीके से सेट हो जाएगा। जब तक हमारी एक थाली की खांडवी सेट हो रही है तब तक इधर हम दूसरी थाली पर भी खांडवी का घोल फैला देते हैं। हमें बिल्कुल वेट नहीं करना है क्योंकि हमने पहले ही बताया कि हमें इस समय बहुत जल्दी ही हाथ चलाना होगा, नहीं तो घोल अगर ठंडा हो गया तो रोल्स हमारे बिल्कुल नहीं बनेंगे। घोल को फैलाने के लिए आप किचन के काउंटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई भी बोर्ड और बेकिंग ट्रे का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेम तरीके से हमने दूसरी थाली पर भी खांडवी का घोल फैला दिया है और इसे भी हम 2 मिनट सेट होने के लिए रख देते हैं। और इसी तरीके से हम बाकी बचे हुए घोल को रखेंगे नहीं, इसे भी हम थाली के ऊपर फैला देंगे। 2 मिनट हो गया है, हमारी खांडवी बिल्कुल सेट हो गई है। तो चलिए अब इसे हम काट लेते हैं। हम इसे 1.5 से 2 इंच चौड़ी स्ट्राइप्स में काटेंगे। चौड़ाई में काटने के बाद अब इसे हम रोल करते हैं। हम इसे किनारों को हल्का सा खोलने के लिए हम चाकू की हेल्प ले लेते हैं और इसे हम बिल्कुल अच्छी तरीके से रोल कर लेंगे। और यदि स्ट्राइप्स काफी लंबे हैं तो लंबाई को कम करने के लिए आप इसे बीच से इस तरीके से कट भी कर सकते हैं और एक स्ट्राइप से आप 2 खांडवी के रोल्स बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने सारे खांडवी रोल्स बना लिए हैं और इसे हमने प्लेट में बिल्कुल अच्छी तरीके से अरेंज कर लिया है। अब चलिए इसके ऊपर हम तड़का लगाते हैं। तो तड़का लगाने के लिए हमने लिया है छोटा पैन और इसमें हम डालते हैं 2 चम्मच तेल। हम तेल को बिल्कुल लो फ्लेम पर रखकर गर्म करेंगे और जैसे ही तेल हमारा थोड़ा गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे राई और राई जब तक पूरी तरीके से फूट ना जाए हम वेट करेंगे। जैसे ही राई हमारी फूटने लगेगी वैसे ही हम डालेंगे इसमें करी पत्ता और इसमें हम डालेंगे खड़ी लाल मिर्च और गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा तड़का तैयार हो गया है। अब चलिए इसे हम खांडवी रोल्स के ऊपर डालते हैं। खांडवी के ऊपर तड़का फैलाने के बाद अब इसे हम गार्निश कर देते हैं जिससे कि ये देखने में और भी अच्छा और टेस्टी लगेगा। तो इसके लिए हमने कुछ कटा हुआ धनिया लिया है, इसे भी हम खांडवी के ऊपर डाल देते हैं। और लास्ट में हमने गार्निश करने के लिए लिया है फ्रेश कसे हुए नारियल। तो ये देखिए, हमारा खांडवी बिल्कुल तैयार है। इसे आप रूम टेम्परेचर पर रखकर किसी भी हरी चटनी के संग सर्व कर सकते हैं।